नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी पेपर है आपका गाइडेंस काउंसलिंग और यूनिट आपके फर्स्ट है निर्देशन एवं परामर्श का परिचय। टॉपिक है निर्देशन सेवाओं के प्रकार। निर्देशन सेवाओं के प्रकार में हम सूचना सेवा पढ़ चुके, आत्मतालिका आत्म अनुसूचित सेवा के बारे में पढ़ चुके। आज हमारा सब टॉपिक है अनुगामी अनुवर्तक सेवा। अनुगामी यानी कि किसी भी कार्य को करने के बाद उसमें कितनी हमें कार्यकुशलता प्राप्त हुई है, कितना उसमें हमने समायोजन किया है, कितनी उस कार्य के प्रति हमें संतुष्टि मिली है, उसका अनुसरण करना, अनुगमन करना, उसका पता लगाना, उस बात का पता लगाना। तो कहने का मतलब है कि अनुगामी सेवा निर्देशन तथा परामर्श का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक सोपान है। जो अनुगामी सेवा है वो अनुगामी सेवा निर्देशन और परामर्श का, यानी कि जो निर्देशन और परामर्श है उसका सुधारात्मक और मूल्यांकन का एक सोपान है, एक पद है मतलब अनुगामी सेवा। साथ में यह है कि जिसमें प्रत्येक अवस्था में कार्यकुशलता देखी जाती है। इसकी प्रत्येक अवस्था में यानी कि जो अवस्थाएं बदलती रहती है, जो दशा परिवर्तन होती रहती है, उस बदलती हुई दशा में इसकी कार्यकुशलता देखी जाती है। निर्देशन तथा परामर्श निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक सेवा है। निर्देशन एवं परामर्श निरंतर यानी आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया तथा साथ में एक सेवा है। क्यों है ये सेवा? क्योंकि यह व्यक्ति के साथ या छात्र के साथ जब तक वो जीवित है, जब तक वह चलता रहता है, यानी कि जब तक चलता रहता है आजीवन, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक सेवा है निर्देशन एवं परामर्श। साथ में ये कि छात्र या व्यक्ति को रोजगार दिलाना, अध्ययन के लिए विषयों का चुनाव कराने या किसी प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने तक सीमित नहीं है। यानी कि जो अनुगामी सेवा है वो अनुगामी सेवा किसी भी छात्र या व्यक्ति को रोजगार दिलाने तक, साथ में विषयों का चुनाव कराने, अध्ययन के प्रति विषयों का चुनाव कराने या किसी भी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उसको प्रवेश दिलाने तक यह सेवा सीमित नहीं है, बल्कि छात्र ने उसमें उस कार्य के प्रति कितनी कार्यकुशलता को प्राप्त किया है, उस कार्य के प्रति कितनी संतुष्टि को उसने प्राप्त किया है, उस कार्य के प्रति उसने कितना समायोजन किया है। कार्य कौन सा है? जिस रोजगार को आप कर रहे हो, साथ में जिस विषय का अध्ययन यानी कि जिस विषय का आपने चुनाव किया है, उस विषय में आपने कितनी कार्यकुशलता हासिल की है, आपने कितनी संतुष्टि उसमें प्राप्त किया, आपने उसमें कितना समायोजन किया है, उस कार्य के प्रति कितनी संतुष्टि और कार्यकुशलता और समायोजन किया है, इन सभी बातों का यानी कि उस कार्य के प्रति कितनी कार्यकुशलता है, इन सभी बातों का पता लगाना अनुगामी सेवा का कार्य होता है। कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए आप कि किसी भी कार्य को कोई व्यक्ति कर रहा है या कोई छात्र कर रहा है, अब वो उस कार्य के प्रति कितना समायोजन कर रहा है, कितना उसमें कार्यकुशलता हासिल कर रहा है, कितनी उसमें संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, उस कार्य का पता लगाना, उन सब बातों का पता लगाना ही अनुगामी सेवा का कार्य है। जैसे कि एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि एक डॉक्टर और पेशेंट है, डॉक्टर पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उसको दवा देता है। अब वो दवा, उस दवा का प्रभाव उस पेशेंट पर कितना इफेक्ट करता है, कितना नहीं करता है, इन बातों का पता तो वो जब दोबारा वापस आता है तब उसको पता लगता है, यानी कि जब उसका निदान होता है तब उसको पता लगता है। उसी प्रकार से अनुगामी सेवा भी यह है कि आप जिस कार्य को कर रहे हो, जिस विषय को आप पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हो, उसमें आपने कितनी संतुष्टि प्राप्त की है, उसमें आपने कितना कार्यकुशलता प्राप्त की है, उसमें आपने कितना समायोजन किया है, उन सब बातों का पता लगाना ही अनुगामी सेवा अनुवर्तन सेवा के लिए उसका कार्य यही है, पता लगाना, किसी चीज़ का पता लगाना। साथ में यह भी है कि निर्देशन तथा शिक्षण का संदर्भ बिंदु भावी योग्यताओं एवं कार्यकुशलताओं का विकास करना है। निर्देशन तथा शिक्षण का संदर्भ बिंदु यानी कि निर्देशन के शिक्षण का जो संदर्भ बिंदु होता है, जो मुख्य बिंदु होता है,
चुनाव करे, कौन से विषय का चुनाव करे या चयन करे जिसके अध्ययन से उसके भविष्य को, उसके भविष्य में उसको दक्षता हासिल हो, उसको कुशलता प्राप्त हो। छात्र किस रोजगार का चयन करे जिससे उसमें वो संतुष्टि प्राप्त कर सके, उसमें वो कार्यकुशलता हासिल कर सके, उसमें वो कार्यकुशलता हासिल करके उसमें समायोजन कर सके। इस प्रकार अनुगामी सेवा निर्देशन सेवा की सार्थकता वैधता का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब इस प्रकार से जो कार्यकुशलता उसने हासिल की है, जो वैधता उसने हासिल की है, जो वास्तविकता उसने उस कार्य के प्रति दर्शाई है, उसी कार्य का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुगामी सेवा का लक्ष्य होता है, अनुगामी सेवा का उद्देश्य होता है। अब देखिएगा अनुगामी सेवा का अर्थ। साथ में पाठ्यक्रम के प्रति भी ऐसा ही है, उसमें प्रवेश लेने में व्यक्ति के समायोजन की सीमा,